मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 128वीं जयंती रविवार को बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर नेता फूल माला चढ़ाते हुए देखे गए। इसी तरह मुंब्रा में भी सुधीर भगत और सैयद अली भाई साहब एक ही मंच पर बाबा साहब अम्बेडकर को फूल माला चढ़ाते हुए देखे गए। 14 अप्रैल को बाबा साहब का हुआ था, इसलिए इस दिन को त्योहार के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस, ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुंब्रा में भी बाबा साहब की जयंती बड़ी ही धूम से मनाई गई। शंकर मंदिर के पास से जुलूस निकाला गया। इस मौके पर मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। ये जुलूस शंकर मंदिर से मुंब्रा रेलवे स्टेशन होकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर खत्म होता है। इस बीच मुंब्रा पुलिस की तरफ से जुलूस में भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि माहौल खराब ना हो सके। मुंब्रा शहर में किस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई गई हम आपको दिखाते हैं। कि जिस महामानव ने हमको भाईचारा और जात पात से उठ करके सबको मानवता के अंदर लेके आने का काम किया है, उसको मैं हमारी पूरी कौम की ओर से, जमात की ओर से, साथ ही साथ मेरे भाई मेरे परिवार की ओर से विनम्र अभिवादन करता हूँ। देखो, ऐसा है कि हम सोच सकते हैं लेकिन किसी की मानसिकता क्या हो सकती है उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। इस देश को लोग देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, देश को जब गाली दे सकते हैं तो एक देखो ऐसा है कि आदमी पत्थर वहीं मारता है जहाँ पर पके हुए फल लगे हुए थे, और ये भरा पूरा पेड़ था जिसने सबको सब कुछ दिया, तो कुछ विनाश विपरीत बुद्धि आती है, उनका एक काम होता है, तो वो सब हमको पीछे रखना है। हमको भाईचारा और हमारी एकता और अखंडता उसको कायम रखना है। ये जग जाहिर है, हिंदुस्तान जाहिर नहीं है, जग जाहिर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को कैसा इकट्ठा लाने के लिए किया, संगठित कैसे क्या किया, ये तुम्हारे और हमारे या हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे देश में ये महामानव इसलिए उनको कहा जाता है कि यही वो मानव महामानव है जिन्हें भारत की अखंडता को इकट्ठा किया, सबको, दलित वर्ग को, हर एक वर्ग को, जिनको लोग आज गांव के बाहर रखते थे, जिनको जात पात से बोला जाता था, उन सबको एक लाने का काम किया इन्होंने। आज इस व्यक्ति ने भारत का संविधान किस तरह से होना चाहिए उसका पूराकार लिया, और इसी व्यक्ति ने हम हर नागरिक को एक अपना संविधान दिया, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट को नहीं मानते, लेकिन यही वो लोग हैं जिनको हमको दरकिनार रखते हुए हम सबको इकट्ठा आकर के आगे चलना चाहिए। मैं उन उस महामानव को विनम्र अभिवादन करता हूँ और मेरे दो शब्द। मुंब्रा के अंदर हर धर्म हर त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उसी तरीके से हमारे शहर में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी मनाई जाती है, इसमें सारे लोग शामिल हो। उन्होंने एक ऐसे समाज का उद्धार किया, एक ऐसे समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जो बहुत सालों से जुल्म का शिकार हो रहा था, और इसी के लिए उन्हें आज महानायक कहते, महामानव कहते हैं। इतने बड़े समाज को इकट्ठा कर अपना इस तरह का स्थान उसमें उन्होंने स्थापित किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। बाबा साहब को दलितों का मसीहा माना जाता है क्योंकि बाबा साहब हमेशा हक की आवाज़ उठाते थे। पूरे विश्व में बाबा साहब को उनके मानव अधिकार आंदोलन और संविधान निर्माण और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।